आप कहेंगे जैसे इनको बनवास दो, ये मैं नहीं करूंगा, ये जन्म में जो कुछ कर लिया। तो ये भक्ति का ये एक है, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके अपने इष्ट देव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार रहो, तब तो ये भक्ति हो, नहीं तो भक्ति नहीं है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है अपना सर्वस्व। प्रेम वह है जो प्रेम छूटने का कारण उपस्थित होने पर भी वो कमे नहीं और बढ़ जाए, ये और प्रेम में लेना नहीं है, सर्वस्व देना है। यदि कुछ लेने की इच्छा हो तो मत प्रेम करो, मत करो। अश्लीष वापादरतां विनष्ट मां अदर्शनान् मर्महतां करो तु वा यथा तथा विदधा पुनम करो, मत प्राण मत करो। कोई गोपी कह रही है, अरे तू कैसी हठी है राधिका जी के लिए, कैसे एक आदमी से प्रेम कर दिया काले कल उठे से, जो तुम्हारे प्रेम का तनिक भी भरपाई नहीं करता, महत्व नहीं समझता, और तुमको दिखला दिखला करके दूसरों गोपियों के पास में जाता है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो उनको छोड़ दे सदा के लिए, भोरी भारी लड़की बनी हुई है। तो वही कह रहे हमें, हमारी परीक्षा मत करो, चाहे वो लाख स्त्रियों के पास में जाए, चाहे मेरा हृदय तीस दे प्रेम से आलिंगन करके मुझे आनंद में प्रमत्त कर दे, मैं उसकी नहीं गिनती, मैं सब समय उसका सुख देखता हूं, अपने प्रिय अपना कभी दुख मैंने विचार नहीं किया। यदि मेरे दुख देने में उनको आनंद है तो वो दुख ही मेरे लिए ना कर। यदि किसी गोपी की इच्छा करते हैं तो मैं सबको छोड़ करके उसके पास जा करके हजारों वर्ष उसके घर में गुलामी करके उसे प्रसन्न करके उसके पास ले जाऊं, ये प्रेम है। भरत जी की आंखें खुली, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जनक जी को, आज मेरी आंखें अपने खुली, अब तक मैं अपना देख रहा था आनंद, जयराम के वहां जाने से उत्सव आनंद होगा और सब लोग कहेंगे कि वाह भरत जी की बहुत सेवा की और उनके चरणों को सेवा करके हमको बहुत आनंद होगा। आज समझा जी इसको भक्ति नहीं कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, अपने इष्ट देव की इच्छा को पूर्ण करना। यह एक प्रसंग बचता और चीज बतलाओ, अपने शंकर जी का नाम सुना है, ये पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण, क्यों? एक बार शंकर को कृष्ण ने बुलाया, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आपको एक काम करना है। जैसे आपको याद है ना, समुद्र मंथन के समय में आपने 20 हरण हजम किया था, लिंकेश्वर बन गए, उन्होंने 20 को पान कर लिया था, जगत की रक्षा कर दी भगवान विष्णु के कारण। वैसे ही कुछ और काम आ गया, क्या? कल काल में लोग हमारा भजन तो करते हैं किंतु सब समय देही देही देही, पुत्रम देही, चशो देही, धर्मम देही, भार्यां देही, पुत्रम देही, धनम सर्वम संपत्ति देही देही देही, इसलिए प्रभु को बड़ा तंग करते हैं। यदि आपके पास में कोई अतिथि आ जाए और सब समय का ये दो ये दो ये दो ये दो, तंग आ जाएगा। तो ऐसे लोग हमारे पास में प्रार्थना करते हैं किंतु क्या प्रार्थना करते हैं, धन संपत्ति वस्तु रुपए पैसे, ये शरीर संबंधी, किंतु नहीं जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, शरीर में आत्मा, शरीर को समझ लिया, यही सबसे बड़ी कठिनाई है। सब में अपने शरीर को समझ लिया, मैं यदि उसके अंदर में आत्मा और परमात्मा को दर्शन करने रियलाइज कर ले कोई, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम लोग आना इसीलिए है, आप लोग थोड़ा सा सोचे, बूढ़ा होना है मरना है, आपका पैसा आपको काम नहीं देगा, जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। गीता आश्रम में भी ऐसे वहां पर जो हुआ उसमें यही खालिश है, कुछ नहीं जाएगा शरीर भी, जब नहीं जाएगा
कमाया हुआ एक फार्थिंग भी कुछ भी जाएगा, एक पैसा अधेला भी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और ये रिलेटिव तुम्हारे साथ में जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। किस लिए इतना क्यों नहीं आत्मा को पहचानता है? गीता की बात स्मरण क्यों नहीं रखता? सर्वधर्म मोक्ष क्यों नहीं याद रखता? अच्छा, अब हम अपने फिर विषय पर आ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भरत जी। अब मेरी गलती समझा, प्रभु के पास में गए, प्रभु आप क्या चाहते हैं? अब बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए। राम बोले तो तुम्हारी तो विजय हो गई है, और तुम्हारी जीत होने से तुम चाहता था जब मैं अयोध्या का राज ले लूं, तो मैंने अयोध्या का राज ग्रहण कर लिया। ठीक है, अयोध्या का राज मैं राजा हूं, मेरा अभिषेक भी हो गया, सब कुछ ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारी बात, इसलिए तुम्हारी तो विजय है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं राजा तब हो गया, किंतु पिता की बात की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए मैं इस राज्य को के लिए अपना प्रतिनिधि तुमको रखता हूं 14 वर्ष के लिए, हमारा प्रतिनिधि होकर के, और उस राज्य की रक्षा करो, मैं 14वें वर्ष में अवश्य 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 आ जाऊंगा। अब क्या बोलेंगे? बस उन्होंने कहा जा सकता, एक और विनती है, अपने प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी पादुका दीजिए, खड़ा हूं, जूती नहीं, जूती में क्या पादुका, खड़ाऊ का व्यवहार होता है, अपनी पादुका दे, और मैं इसको प्रतिनिधि के रूप में वहां रहूंगा, और जैसे आप वन में रह रहे हैं वैसे वन में रहूंगा, जैसे आप वन में रहते हुए भी साधु संन्यासियों का जीवन बिता रहे हैं वैसे मैं ये बिताऊंगा। और जब एक दिन की यदि विलंब हो गया तो फिर आप मेरा मुख नहीं देखेंगे, मेरी जली हुई शरीर की राख देखेंगे, भस्म देखेंगे, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगा, अवश्य सारा इधर दर्शनिक भी नहीं होगा। उनकी खड़ाऊ ली, अयोध्या में प्रवेश नहीं किया क्योंकि राम तो राज से बाहर है, इसलिए नंदीग्राम में रहे, नंदीग्राम में गए और सबको कह दिया कि यहां पर जिसको जिसको न्याय की जरूरत थी आएगा, राज्य वहीं रहेगा, कौशल्यम्मा इत्यादि सब रहेगी और वहीं पर रहेगा, सबको आदर यथायुक्त दिया जाएगा, और मैं यहां पर रहूंगा, यहीं से फरमान जारी होगा, यहीं से राम की मैं सेवा करूंगा। नंदीग्राम में जैसे राम रहते थे वैसे ही जटाजूट लगाकर जंगल में वहां पर रहने लगे। उनकी पत्नी कौन, उर्मिला मंडली जी ने कहा हमारी एक प्रार्थना है, आप वहां जा रहे हैं, यदि राम और सीता रह करके सेवा कर सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए वहां क्यों न रहूं? उन्होंने कहा जी देखो मेरी सेवा तुमको करनी चाहिए, सेवा मैंने क्या, जैसा मैं चाहता हूं, मेरी सेवा की अपेक्षा इस समय कौशल्या को की सेवा अधिक आवश्यक है, इसलिए तुम मेरी सेवा करो। बड़ी दुखी है, उनका बेटा वन में है, बहू वन में है, इसलिए तुम उनकी सेवा करने सब हो जाए, आपके उनको मान लेना पड़ा, वहां पर चली गई उनकी सेवा करने के लिए। कैकेयी रही राजमहल में, बेटा मैया नहीं कहता, एक साथ में करोड़ों बिच्छू डंक मार रही उनके हृदय में, सह नहीं जाती वो पीड़ा, बेटा घर में रहते हुए भी उसे बात ना करे और मैया ना करे, ये कैसी बात होगी? सोचो जिसको अपना अपने गर्भ से जन्म दिया, बहुत प्यारा युग हो, इसलिए बड़ी दुखी है। एक दिन किसी प्रकार से पालकी लेकर के नंदी गांव में पहुंची, और पहुंच करके पालकी उतारा, उन्होंने कहा जी भरत से मैं मिलना चाहता हूं। भरत से कहा, उन्होंने कहा जी महारानी को आदर पूर्वक लाओ, जब वो आई महारानी जी आप बैठिए, कहिए क्या आवश्यकता है, हमको कह देती तो मुझको मैं चला जाता आपके पास में,
तो बेटा अकेले में तुम्हारे बिना हमको ये राज्य राजमहल डंक मारता है। हाँ, आपने ऐसा कुछ काम किया, डंक सहना पड़ेगा। एक बात तुम मैया कह दे, ये जीवन में नहीं हो सकता, नहीं होगा। जिनके पियन राम वैदेही तजिए कोट बैरी सम जब जप परम सने तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजव कंत ब्रज बलि सन भय जग मंगल खाय। जो सीताराम के विरोधी हैं, जो राम कृष्ण और राधा जी के विरोधी हैं, उनको कोटि बैरी के समान में प्रत्याय करो। चाहे कोई अपना बंधु हो, गुरु हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, पुत्र हो, भैया हो, बाप हो, कोई भी हो, कोई भी बात नहीं, ये भक्ति का एक लक्षण है। बतला रहे हैं कौन, तुलसीदास जी मीराबाई को ये पत्र लिखा जब उसके रिलेटिव लोग उसका विरोध करने लगे, तो रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी ने पत्र लेकर के मीरा को ये सहारा दिया था, वैसे ही उन्होंने किया था। तो तेजव पिता को त्याग कर दिया, किसने? प्रहलाद महाराज। तेजव पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को प्रत्याग किया, किस लिए? सीता को दे दो, उसने एक लात मारा, इसलिए उन्होंने उसको प्रत्याग कर दिया। राम का विरोधी है इसलिए। किताब प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, और भरत जी ने और गुरु को भी त्याग दो, यदि भगवान का विरोधी है तो मत देखो, वो गुरु नहीं है, इसलिए त्याग कर दिया बलि महारानी ने शुक्राचार्य जी। और गोपियों ने अपने पतियों को भी छोड़ दिया जो कृष्ण के विरोधी थे, उनको सबको प्रत्याग। भय जगमंगलकारी, जगत में मंगल हुआ, ये सब शिक्षाएं सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। यदि कल्याण चाहते हैं तो ऐसा कीजिए। यदि पति भगवत विरोधी और भक्त विरोधी, गुरु विरोधी है, उसे कोई भी संबंध मत रखो, इसमें कल्याण है, आत्मा का कल्याण है। तो भरत जी और उसकी मैया बहुत देर तक रही, एक बार भी मां ने नहीं कहा। जब रामचंद्र, उस दिन की तो बात छोड़ दो, जब रामचंद्र जी लौटे अयोध्या में, राज्याभिषेक हुआ, और वैश्यत के बाद में 11,000 वर्ष बीतने को हैं, अब अंतिम समयों में कैकेयी एक दिन राम के पास रोने लगी और बोली, बेटे तुम तो मुझे बेटे कहते, मैया कहते, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी कहते, किंतु भरत आज तक भैया नहीं। मैं चाहती हूं कि एक बार भी अंततम मरते समय भी सुन जाऊं कि मैया कहा, और मेरी गोदी ठीक हो जाए, मेरे गोदी में प्यार से चुमू, मुख हमारा जीवन साथ, नहीं तो यही अरमान लेकर के मैं मरूंगी, बड़ी दुखी होगी। बेटा हमारी इस बात को तुम पूरा, तुम्हारे कहने से वो जरूर मानेगा। भरत जी को बुलाया राम ने बड़े प्यार से, ओ, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने जैसे हमारी सेवा की, एक बात मैं चाहता हूं, यदि कहो तो मैं मानूं। आज तक तो जीवन में कभी नहीं कहा, मैं तो अपने आप उनकी सेवा करता हूं, और ये याद करें कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तो कुछ चिंता आई और बोले, महारानी कैकेयी को मैया कहने के बदले आप जो कुछ कहें मैं मांगने के लिए। ये बड़ी हृदय विदारक ये लीलाएं हैं, उस जगत में ऐसा नहीं है, उस जगत में ऐसा नहीं, वहां पर सभी का बड़ा प्रेम है। ये तो कुछ देने के लिए उतरते हैं ऐसी लीला करके, और फिर चले जाते हैं, जिसको सुन करके जगत के लोग कल्याण का हो जाए इन लीलाओं के श्रवण से। देखो भरत जी का चरित्र कैसा है, किंतु मैं कहता हूं इस भरत जी से हजारों गुना चरित्र ऊंचा है कैकेयी का, जिन्होंने विष का प्याला पिया राम के लिए, इन लोगों ने विष के प्याले, इसलिए इनका चरित्र एक अद्भुत अद्भुत। अब तो 8:30 से भी अधिक बज गया है, अब एक अमृतमयी कथा, कल सीता जी का चरित्र का कहूंगा।
कैसा उनका अद्भुत चरित्र है, इनसे भी मार मानती। जिसके प्रियतम पति ने जिसको ठुकरा दिया और उन्होंने पति को छोड़ा नहीं, आजकल तो बात बात के झगड़ों में डाइवोर्स, पत्नी का एक पैर एक चरण आगे रहता है। और देखो सीता जी का चरित्र, यदि कोई महिला हो तो सीता जी के समान, उनका आदर्श है सब प्रकार। कुछ शिक्षाएं हमारे भारतीय आप लोग ग्रहण करेंगे, राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से, राज्य को गेंद की तरह उधर से उधर 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 उछाल रहे हैं। और थोड़े ही दिन के बाद में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ राज्य के लिए, हम गेंद हमारा रहेगा तो हमारा रहेगा। ये काल का भी कुछ प्रभाव है, आप लोग इसे शिक्षा लेंगे और कुछ आत्म तत्व का विवेचन करेंगे। मैं शरीर हूं यही तक नहीं, इसके अंदर में आत्मा है, परमात्मा है, सब जगत का सृजन करने वाला प्रभु है। थोड़ा सा उसको तो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, तो भी वो किसी बहाने से जो कृपा करे, वो तो कृपा के लिए राह ढूंढता है, प्रणाम करे, हमारे धाम में जाए, गंगा जमुना का आदर है, हरी कथा सुने, रामायण भागवत पढ़े, उसकी थोड़ी सी रुचि है जिस पर मैं कृपा की वर्षा करूं, लालाई फेंक देने के लिए, किंतु हम लेना नहीं चाहते। तो आज समय हो गया, आज यहीं तक हम हरी कथा का विश्राम दे रहे हैं। कल का दिन है, कल सीता जी का चरित्र बहुत ही मार्मिक, उनका चरित्र हम सुनाएंगे, उनसे उनको पालन करेंगे और जीवन में सुखी रहिए, इस जीवन में भी पढ़ते रहिए। गौर प्रमाण। कवई वास्मी नजमामि स्वयाभिया इति विज्ञाय राधि तन्मे माम चरणं। हलो श्यावर रामचंद्र जय। मैंने कहा